ये मस्ट ट्राई एक रेसिपी है, आप ये जरूर मेरे स्टाइल में बना के देखिए। बहुत जल्द बन जाता है और टेस्ट में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, टू गुड। हेलो दोस्तों, अंतराज लाइफस्टाइल एंड पैशन में आप सबको स्वागत है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं मम्मी के स्टाइल का बना हुआ पोटैटो एग ऑनियन चाउमीन। ये अक्सर हम लोग टिफिन में बचपन में ले जाते थे, ये जल्दी से बन जाता है और मम्मी हमेशा ये स्कूल में टिफिन में ये देती थी, एग चाउमीन जो बोलते हैं। तो एग ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, और मैंने कुछ स्प्रिंग ऑनियन रखा है। अगर ये अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। कुकुम्बर तो आसानी से अवेलेबल है, और ये मैंने लिया है बादाम, मेरे को मैंने इस टाइप से स्लाइस कर लिया है। और एग है, थोड़ा ग्रीन चिली है, अगर ये चाहे तो आप डालेंगे, बच्चे खाएंगे तो इसको स्किप कीजिए। और ये कुकुम्बर है, उसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। तो मैं ऑलरेडी पानी बॉईल करने के लिए रख दी हूँ, इस पानी में मैं डाल दूंगी सॉल्ट। सॉल्ट मैं इसलिए डाली ताकि चाउमीन में भी सॉल्ट का टेस्ट आ जाए। काफ़ी इजी प्रोसेस है ये, आप जब मन करेगा आपको चाउमीन खाने का आप तुरंत बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले चाउमीन बॉईल हो जाए, उसके बाद मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। ये ज़्यादा नहीं बॉईल करना है, 80-85% आप इसको बॉईल करेंगे, ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना है, नहीं तो खिला खिला चाउमीन नहीं बनेगा, एकदम मतलब चिपक जाएगा पैन में। तो चलिए मैं इसको स्ट्रेन करती हूँ। देखिए मैंने चाउमीन को बॉईल कर लिया है, ये हाफ डन है, पूरा नहीं है। देखिए इस तरह से आपको टूटना चाहिए, थोड़ा प्रेस करने के बाद ही टूटना चाहिए। और इसमें ऑयल लगाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको ठंडा पानी से वॉश कर लीजिएगा, नॉर्मल टैप वाटर से आप इसको वॉश करके। तो अभी मैं बादाम को फ्राई कर रही हूँ। और इसके बाद मैं डाल दूंगी ऑनियन। पोटैटो भी डाल दूंगी। इसमें ज्यादा तामझाम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही साथ में डाल दिया, ऑनियन भी फ्राई हो जाएगा और पोटैटो भी साथ में फ्राई हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कलर पकड़ चुका है पोटैटो और ऑनियन में, तो मैं इसको सेंटर करके ना इसको बीच में थोड़ा सा ये करके मैं इसमें एग डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा स्क्रैम्बल कर दूंगी मैं। एग को फ्लेम को हाई कर दीजिए और इसको जस्ट आप स्क्रैम्बल कर दीजिए। इसी स्टेज पे ग्रीन चिली भी मैंने ऐड कर दिया। तो देखो ये स्टेज के बाद मैं जो स्प्रिंग ऑनियन का जो नीचे का पोर्शन है मैं इसको भी ऐड कर दिया। इसके बाद मैं अब सॉल्ट ऐड करूंगी, पर याद रहे चाउमीन में भी सॉल्ट ऑलरेडी है, बॉईल करने के समय हम लोग ऐड किए थे चाउमीन में सॉल्ट, तो आप ध्यान से थोड़ा सा इसमें सॉल्ट दीजिए ताकि ज़्यादा सॉल्ट ना हो जाए। ये है मेन इंग्रेडिएंट, सॉल्ट जो है ना हर एक डिश हर एक चीज़ का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, इसके बिना आप कुछ भी अच्छा बनाइए बिल्कुल फीका लगेगा। चाउमीन को भी इसी में ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। फ्रेंड्स मेरा एग पोटैटो ऑनियन चाउमीन बन चुका है, अब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी
ब्लैक पेपर। तो फ्रेंड्स बनके तैयार है मेरा चाउमीन और ये बहुत टेस्टी होता है, एक बार ज़रूर आप ये इसको ट्राई कीजिएगा। ये चाउमीन बन चुका है, अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी खीरा से, कुकुम्बर, थोड़ा स्प्रिंग ऑनियन और मूंगफली। थोड़ा टोमेटो सॉस भी मैं डाल रही हूँ। ये मस्ट ट्राई एक रेसिपी है, आप ये जरूर मेरे स्टाइल में बना के देखिए, बहुत जल्द बन जाता है और टेस्ट में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं, एनी टाइम। बहुत ही टेस्टी चाउमीन बन के रेडी है। जिसको खाना है मेरे घर में प्लीज आ जाइए, मैं सबको इनवाइट कर रही हूँ। तो होप आपको आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंतराज लाइफस्टाइल एंड पैशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।